बच्चों आज मैं आप लोग को क्लास 11 का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, आज मैं आप लोग को वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। वर्नियर स्पेरम इसका वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ क्या है। वर्नियर कैलिपर्स से द्वारा आप किसी भी स्फेरिकल बॉडी का आप डायमीटर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्या फाइंड कर सकते हो? डायमीटर। तो जो आपका एम है फर्स्ट, टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो इस किसी भी स्फेरिकल बॉडी का आप वर्नियर स्केल के द्वारा आप इसकी डायमीटर और प्लस उसका किसी भी सिलेंडर बॉडी का आप डीप निकाल सकते हो, ठीक है, वैल्यूम निकाल सकते हो। आइए आपको हम समझाते हैं कि कैसे आप इसको फाइंड करोगे। इसके पहले आप ध्यान दो बच्चे कि यहाँ पे जो लीस अकाउंट जानना सबसे पहले ज़रूरी है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे जो नंबर ये स्केल बना हुआ है ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, और एक यहाँ पे छोटी छोटी ये लाइनिंग दी गई है ना, यहाँ जो लाइनें दी गई हैं देख रहे हैं आप, तो ये वर्नियर स्केल है। यहाँ पे ये डिवीजन जो है 10 होते हैं इसलिए ना इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल। और ये क्या है? मेन स्केल, ठीक है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको लीस्ट काउंट मालूम होना चाहिए। आप यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है, तो 0 से 1 तक नंबर ऑफ डिवीजन काउंट करेंगे, क्या गिनाएंगे, नंबर ऑफ डिवीजन। तो नंबर ऑफ डिवीजन अगर काउंट करेंगे तो 0 से 1 तक नंबर ऑफ डिवीजन में आपके टोटल 10 खाने हैं। कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है, तो 1/10 कर देंगे तो आएगा 0.1 mm, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। बच्चों पता हुआ कि आप कैसे फाइंड करोगे? पहले सबसे पहले लीस्ट अकाउंट पता करना है। लीस्ट अकाउंट के लिए आप इसकी ऐसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम काउंट करेंगे कि 0 से 1 तक कितने नंबर ऑफ डिवीजन है। मान लीजिए डिवीजन आपका 10 है तो 1/10 करेंगे, तो 10 करेंगे तो आपका आएगा 0.1 mm। अब उसको कन्वर्ट कर देना है सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया सेंटीमीटर में आपका, इसका आ जाएगा लीस्ट अकाउंट। अब हम आते हैं स्फेरिकल कैसे आपको रीडिंग ली जाती है ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी स्फेरिकल बॉडी को जस्ट लेस ऐसे जैसे मैं यहाँ पे देख आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही किसी बॉडी का स्फेरिकल आप निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मूव करने के बाद आप काउंट करेंगे कि जो आपने मेन स्केल देखा है, तो मेन स्केल का पहला जो वर्नियर स्केल का है डिवीजन किस पर है, ठीक है। तो आइए हम इस पर आपको दिखाते हैं। तो ये तो जो यहाँ पे स्फेरिकल ऐसे पकड़ने के बाद आप यह ध्यान दो कि जो वर्नियर का पहला स्केल है, ठीक है, मेन से किसके सामने है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ये 1.7 के पे है, 1.7 मेन स्केल का कितने पे आ रहा है, 1.7। तो मेन स्केल जब बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल तो आप लिखेंगे मेन स्केल पे कितना लिखेंगे, 1.7। 1.7 के बाद आप ध्यान दोगे यहाँ पे कि वर्नियर स्केल डिवीजन, तो डिवीजन कितने पे है, कोई इन वर्नियर पे कोई ऐसा डिवीजन होगा जो कि एक सीध में मेन डिवीजन से सामने होगा, मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो वर्नियर का स्केल और मेन से सीध में मैच कर रहा होगा वो आपका क्या होगा, नंबर होगा, यानी कौन सा नंबर है। जैसे 10 डिवीजन हमने बताया तो 10 में कौन सा है जो सामने मैच कर रहा है, मान लीजिए 2 मैच कर रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे कौन मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, तो नंबर आप डिवीजन कितना लिखेंगे, 2 मैच कर रहा है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे लिस्ट अकाउंट, ठीक है, लिस्ट अकाउंट जो आपका है 0.01 है, उस लिस्ट अकाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से साथ, और इसके बाद आपका जो मेन स्केल रीडिंग है उससे आप वाई को ऐड कर देंगे, ये आपका डायमीटर इसका निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर दूसरी बार इसको फिर हम पास करेंगे तो ये तो डिवीज़न नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन चेंज होगा, फिर वो नंबर ऑफ डिवीजन में लिस्ट अकाउंट का मल्टीप्लाई, फिर
मेन स्केल से ऐड करते जाएंगे, ऐसे थ्री रीडिंग लेके इसका मेन निकाल लेंगे। ठीक है, ओके।